लक्ष्मण यादव जी, उसके बाद महोदय मैं ओम प्रकाश यादव जी को धन्यवाद देता हूं और अधीर रंजन जी को। ओम प्रकाश जी ने मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्ताव रखा है और उस संबंध में जो विस्तार से उन्होंने कुछ चर्चाएं की हैं वह सबको सोचने का है और समझने का है। मोतिहारी जिसको चंपारण कहते हैं, अब पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण है, लेकिन पहले चंपारण था। हमारे यहाँ जो जिला की गिनती होती थी उसमें कहते थे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण, ये चार जिला होते थे गंगा के उस पार, जिसमें से सारण में से तीन जिला हो गए, छपरा, सिवान, गोपालगंज। लेकिन जो चंपारण था उस चंपारण ने अपने नाम को बरकरार रखा और उसके महत्व को देखते हुए ही जिला के विभाजन के समय उसका नाम मोतिहारी और बेतिया नहीं रख करके पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण कर दिया गया, क्योंकि उस मिट्टी का संबंध महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को ही केवल वहाँ से दिशा नहीं दी, बल्कि महात्मा गांधी को उस मिट्टी से बहुत प्रेरणा मिली थी और उस मिट्टी के साथ महात्मा गांधी का आध्यात्मिक संबंध जुड़ गया था और आज भी उस मिट्टी का महात्मा गांधी के साथ आध्यात्मिक संबंध जुड़ा हुआ है। जो ओम प्रकाश जी ने कहा कि रामचंद्र शुक्ल जी के साधारण किसान, सभापति महोदय, आज कोई साधारण किसान रामचंद्र शुक्ल जी के जैसा आ जाए और एमपी को कोई आग्रह करे तो नहीं मानने के लिए तैयार होगा, लेकिन वह गांव के साधारण किसान महात्मा गांधी से आग्रह किए कि आप एक बार चलिए वहाँ, और उनकी बात को मान के महात्मा गांधी जी पहुँच गए और उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ गांधी जी पहुँचे और वहाँ से राजेंद्र बाबू साथ चले और भारत के समाजवादी आंदोलन के प्रबल स्तंभ आचार्य कृपलानी थे, मुजफ्फरपुर में उस समय प्राध्यापक के काम करते थे कॉलेज में, वहाँ से कृपलानी जी साथ हुए और जयप्रकाश नारायण जी के ससुर धरणीधर बाबू दरभंगा के थे, आज़ादी आंदोलन के स्तंभ, वो सब मिलके नीलहों के खिलाफ वहाँ आंदोलन को इकट्ठा किया और चंपारण की भूमि को ही नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो चंपारण की उस भूमि को गांधी के साथ नमस्कार करना चाहिए जहाँ से एक प्रेरणा मिली थी अंग्रेज के खिलाफ। सत्याग्रह का असली स्वरूप, व्यवहारिक स्वरूप अगर कहीं से प्रकट हुआ था तो ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण की भूमि से प्रकट हुआ था। नेपाल की सीमा पर है, संस्कृतियों का संगम है, राजा जनक नेपाल के राजा थे, विदेह राज। महाराज जी आप जब कथा बांटते हैं तो राजा जनक के कथा के साथ ही प्रारंभ होती है और राम कथा तो उससे जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि जनकपुर से राम की यात्रा प्रारंभ होती है और सेतु बन रामेश्वरम तक जाती है। अगर भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सभी कड़ियों को जोड़े तो राम उत्तर से जनकपुर से चलते हैं और दक्षिण में सेतु बन रामेश्वर तक जाते हैं, इसलिए राम उत्तर और दक्षिण के देव हैं और उस चंपारण की भूमि का जो एरिया है वही श्री राम और सीता के क्षेत्र वाला एरिया है, जुड़ा हुआ है, उसका आध्यात्मिक संबंध है, सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, राष्ट्रीय महत्व है, बौद्धिक महत्व है। राजा जनक के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें एक जो याज्ञवल्क ऋषि हैं जिनका नाम कौन नहीं जानता, जिनके गार्गी और मैत्री भारत में आज तक वैसी प्रतिभाशालिनी और वैसी नारी शायद भारत की मिट्टी से प्रकट हो जो हो जाए तो भारत का इतिहास बदल जाएगा, वो भूमि वही है श्रीमान राजा महर्षि याज्ञवल्क की भूमि, जिस भूमि का मैं प्रतिनिधि हूँ वही वरदायिनी है जहाँ याज्ञवल्क को भगवती ने वर दिया था और उनकी आवाज़, उनकी विद्या पुनः लौट आई थी, वो वरदायिनी है। राजा जनक के उस रामायण काल से जुड़े हुए न्याय शास्त्र के सबसे, न्याय शास्त्र के रचिता, दृष्टा, मंत्र स्रष्टा महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम वही है जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ।
और उसी के बगल में माता अहिल्या का आश्रम है जो स्वयं पत्थर से जड़ से चेतन में प्रकट होने वाला, अगर कहीं भारतीय संस्कृति में कोई एक कहानी है विश्व में तो वही अहिल्या का आश्रम है जो जड़ से चेतन बन गए, जड़ का चेतन में परिवर्तन हुआ था, रूपांतरण हुआ था। मुनि श्राप न दिन्हा अतिभल किन्हा परम अनुग्रह माना। और उस समय माता अहिल्या ने कहा कि ऋषि ने जो श्राप दिया था वो कितना अनुग्रह किया था, क्या दशरथ नंदन श्री राम के चरण स्पर्श का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह इसलिए मैं कहा हूँ, जहाँ राम सीता का मिलन हुआ था फुलवारी में और दोनों एक गिरा अनयन नयन बिनु पानी। तुलसीदास जी की भी रचना अद्भुत है, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। राम और सीता जब एक दूसरे पर दृष्टि देते हैं उस फुलवारी में ओझल होके और दोनों के आँख में आँख मिलते हैं तो दोनों एक तक देखते रह गए, दोनों की पलक नहीं गिरी। वह भूमि भी उसी के उसी भूमि उसी वहीं पर है। महर्षि विश्वामित्र गए थे दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण को लेके और राजा जनक में आश्रम पर रुके थे और दोनों दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पैर दबाते थे, चरण दबाते थे और वहीं शिक्षा लेते हुए धनुष यज्ञ तक गए। वो भी उसी भूमि से जुड़े हुए जगह हैं। मैं इसलिए इन बातों को कहता हूँ कि चंपारण को केवल हम चंपारण को केवल एक मिट्टी न समझें, बल्कि चंपारण एक धरती है जहाँ से हमारी संस्कृति सभ्यता प्राचीनता का उद्गम स्रोत रहा है और कहीं ना कहीं हमारे शाश्वत सनातन प्रवाह का उद्गम स्थल रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आ जाइए। हाँ, उद्गम स्थल रहा है, इसीलिए ना आ रहा हूँ। क्यों बनना चाहिए कि जहाँ जहाँ न्याय शास्त्र का जन्म हुआ, जहाँ विश्वामित्र जी पधारे, जहाँ गौतम ऋषि गए, जहाँ इतने विद्वानों की जगह थी, वहाँ अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे तो आप कितना उनको सम्मानित करेंगे, भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म और भारतीय इतिहास को आप सम्मानित करेंगे। महाबल मिश्र जी उसी मिट्टी के हैं, अब वह मेरे वोटर हैं। यहाँ दिल्ली में MP हैं लेकिन वो मेरे वोटर हैं, तो उसी मिट्टी के हैं। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है नंबर दो कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना है, जो अधीर रंजन जी कह रहे थे, हमारे बीच में गंगा है, गंगा के दक्षिण की भूमि मगध भूमि है और गंगा के उत्तर की भूमि को हम मिथिलांचल की भूमि, राजा जनक की भूमि, मंडन मिश्र मंडन भारती की भूमि कहते हैं। तो आज अगर हम उस भूमि पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाते हैं तो जो मंडन भारती, जहाँ स्वयं शंकराचार्य जी को अद्वैत अपने अद्वैत दर्शन के लिए मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करना पड़ा और जब तक मंडन मिश्र उनके दर्शन को स्वीकार नहीं कर लिए तब तक उनका भारत में अद्वैत दर्शन का को स्वीकृति नहीं मिली थी, उस मंडन भारती की भूमि है। मैं शिक्षा के इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई ये समझते हैं कि वो भूमि ऐसी है, हाँ जरूर है, कोसी कमला गंडक तिलजुगा करेह अधवारा समूह, इन नदियों के कारण हम बाढ़ में पीड़ित होने के कारण निर्धन हम जरूर हो गए। सभापति महोदय, हमारे घर में निर्धनता जरूर आ गई है, हमारे घर में रोशनी नहीं जरी, हमारे बच्चे भूखे जरूर रहे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, योग्यता के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में हमने हमेशा उस मिथिलांचल की मिट्टी से सारे भारत को नहीं, सारे विश्व को एक नए दर्शन देने का काम किया है। उस जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनेगा तो बनेगा कहाँ, कहाँ बनेगा? अगर कहते हैं कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि आज बिहार में उन्होंने जो अपने समय में और उस समय में राज्य उनका मंत्री था, अटल जी का सड़क विभाग का राजनाथ जी मंत्री थे, उस समय एक जो बिहार का नक्शा खींचा गया, आज सभी जगह 4 लेन 2 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही है और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृपा से द्वारका से लेकर के कामरूप तक एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन की सड़कें बनी हुई है। कौन कहता है कि बिहार में रास्ता नहीं है? अगर कहते हैं कि वो विकसित नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी ने सपना देखा था, चलिए उस कोसी में, आज से 50 साल पहले उस मिथिलांचल और कोसी के जिन लोगों ने देखा होगा और आज अगर श्रीमान अटल बिहारी की वाजपेयी की कृपा से बने हुए वो द्वारिका से लेके कामरूप तक 6 लेन की सड़क पर चलते हैं तो लगता है कि मिथिलांचल की धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो रहा है और स्वर्गारोहण हो रहा है। इतनी सड़कें बन रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, क्या हमारे शिक्षक
प्राध्यापक प्रोफेसर सड़क मार्ग से नहीं जा सकते हैं, केवल हवाई मार्ग से जाएंगे। अगर हवाई मार्ग ही बनाना है तो मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट है, आप मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट को थोड़ा विकसित कर दीजिए और वहाँ हवाई जहाज उतार दे सकते हैं। लेकिन करने का मन हो तब, मन में करना हो तब। और अगर आप गया में बनाना चाहते हैं तो गया में भी बौद्ध की भूमि है, वहाँ आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए बौद्ध मत मानने वाले दुनिया में जितने हैं उनसे काफ़ी सहयोग मिल सकता है, तो वो भी आपको सहयोग देंगे। नालंदा में आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय को बनाया है और वो बन रहा है, उसी के साथ ये गया भी जुड़ा हुआ है, बनाइए, कोई हर्ज नहीं। संक्षिप्त करें थोड़ा, दीजिए गया में तो हवाई अड्डा। लेकिन मोतिहारी जो गांधी जी के नाम से जुड़ा हुआ है, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए, जिससे संपूर्ण भारत के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। गांधी दर्शन एक विषय रहना चाहिए, जो गांधी दर्शन की उसमें पढ़ाई हो और लोग उस आधार पर आगे बढ़े। संक्षिप्त करें, मैं ज़्यादा समय न लेके केवल एक दो बात कह के समाप्त करूँगा, क्योंकि उस क्षेत्र का हूँ, उस मिट्टी का हूँ, अगर उस मिट्टी के लिए अपने सम्मान न प्रकट करूँ तो फिर उस मिट्टी में जन्म लेना बेकार है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। हाँ, लोहिया जी के तो मिट्टी है उत्तर भारत, इस समाजवादी आंदोलन में से व्यवधान न डाले, बोलिए हाँ। ले रहे जन्म, अरे उसी मिट्टी ने कर्पूरी ठाकुर, सूरज नारायण सिंह, धनिकलाल मंडल, हुकुमदेव नारायण यादव जैसे लोगों को पैदा किया। लेकिन सभापति महोदय, वहाँ सभी दल के लोग और सभी राजनीतिक पार्टी के लोग और सभी विद्वान बुद्धिजीवी एक मत से हैं, बिहार विधान मंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, तो बादी 12 और पंच 18 खेत किसी का, और उसका फैसला करे, रजिस्ट्री करे कोई। जब बिहार के लोग एक मत हैं, विधान मंडल एक मत हैं, सभी राजनीतिक दल एक मत हैं, वहाँ की जनता एक मत है, और सब जब सर्वसम्मत है कि मोतिहारी में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, तब अगर केंद्र सरकार के तरफ से कोई अड़ंगा लगता है तो नियत पर जरूर शंका होती है कि आपकी नियत जरूर खोट है, आप देना कम चाहते हो, लड़ाना ज्यादा चाहते हो। लेकिन याद रखो, बिहार में वह जागृति चेतना है, हम परस्पर लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, हम केवल एक ही मंत्र आज बिहार में है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां धीतमस्तु मा विद्युषावहै। हम बिहार के लोग हैं, स्वाभिमान के साथ उठे हैं, संग संग बढ़ेंगे, संग संग चलेंगे, संग संग मंजिल तक जाएंगे, और संपूर्ण विश्व में हम अपने बिहार के बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान अध्यात्म और धर्म का विजय पताका फहरा के दिखा देंगे। केंद्र सरकार उसमें अवरोध पैदा नहीं करे, बल्कि हमारा सहयोगी बने। धन्यवाद श्री।